Hey children how are you all hope you all are doing good so welcome to part 2 of chapter 7 weather climate and adaptations so on monday we started this chapter and uh, we saw weather and elements of weather right and i also told you what is the difference between weather and climate okay and we also discussed a little bit about climate and adaptations so i told you what are adaptations the favorable features and habits that help the organisms to survive and breed in their surroundings is called adaptation alag alag climates mein alag alag tarah ke animals and plants milte hain wahan pe paaye jaate hain theek hai तो वहाँ उस एक पर्टिकुलर क्लाइमेट में जो भी एनिमल्स और प्लांट्स हैं उनमें कुछ एडेप्टिव फीचर्स होते हैं उनमें कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं उनकी बॉडी में और उनकी कुछ ऐसी हैबिट्स होती हैं जो उस ऑर्गेनिज्म को हेल्प करते हैं उस पर्टिकुलर क्लाइमेट में सर्वाइव करने के लिए उसे हम बोलते हैं अडेप्टशंस मैंने आपको बताया था ये लास्ट क्लास में ठीक है तो इस क्लास में हम क्या देखेंगे वी विल लर्न अबाउट द एडेप्टन ऑफ एनिमल्स लिविंग इन टू डिफरेंट रीजन्स दैट इज पोलर रीजन एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ओके सो लेट स्टडी अबाउट पोलर रीजन्स ओके सो वॉट इज पोलर रीजन द एरिया सिचुएटेड नियर द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड पोलर रीजन्स यस कौन सा एरिया हमारे अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल पर जो रीजन है जो एरियाज हैं ठीक है नॉर्थ एंड साउथ पोल के पास उसे हम क्या बोलते हैं पोलर रीजन पोल पोल के पास जो रीजन है वो पोलर रीजन है ठीक है एंड दीज रीजन्स आर कवर्ड विथ स्नो एंड हैव एन एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट ये जो रीजन है ये हमेशा पूरे साल भर ये स्नो से कवर्ड रहते हैं ठीक है एंड यहाँ पे जो क्लाइमेट होता है वो एक्सट्रीम कोल्ड होता है बहुत ही कोल्ड क्लाइमेट होता है ठीक है यहाँ पे फॉर सिक्स मंथ्स छः महीने तक जो सन है वो सेट नहीं होता है ठीक है सन डूबता नहीं है और अगले छः महीने तक जो सन है वो राइज नहीं होता है ठीक है ड्यू टू देयर पोजिशन बिकॉज दीज आर पोल्स ठीक है

Some well known countries that belong to the polar region are Canada, Greenland, as you can see on your screen, uh, Iceland, Norway, Sweden, Finland, Alaska in the USA, and Siberian regions of Russia. Okay, and what are the animals that we found in this region? Polar bears, penguins, musk oxen, reindeer, foxes, seals, whales, etc., these are the animals. विच लिव इन पोलर रीजन्स ओके सो लेटस सी हाउ डीज एनिमल्स आर एडेप्टेड इन पोलर रीजन्स ठीक है हम इसके लिए किसका एग्जाम्पल लेंगे पोलर बेयर एंड पेंग्विन्स का एग्जाम्पल लेंगे ये समझने के लिए कि यहाँ पर जितने भी एनिमल्स हैं उनकी बॉडी में ऐसे क्या फीचर्स होते हैं जिससे वो ईजिली इतने कोल्ड क्लाइमेट में भी वो सर्वाइव कर लेते हैं इतने कोल्ड क्लाइमेट में वो रह पाते हैं ठीक है सो यही होते हैं अडेप्टशन ऐसे फीचर्स जो उन्हें हेल्प करते हैं इतने ठंडे क्लाइमेट में रहने के लिए ठीक है

हेयर यू कैन सी दे हैव टू थिक लेयर्स ऑफ फर ऑन देअर बॉडी उनकी बॉडी पे दो थिक लेयर होती है फर की ठीक है फर मतलब जो उनके बॉडी हेयर्स हैं ठीक है द आउटर थिक लेयर ऑफ फर इज़ मेड ऑफ होलो हेयर जो बाहरी जो थिक फर होता है उनका उसमें हॉलो हेयर होते हैं ठीक है हॉलो मतलब खोखले ठीक है जिसमें एयर ट्रैप हो सकती है सो द हॉलो हेयर ट्रैप एयर एंड कीप द बॉडी वार्म ओके सो ये हमने कौन से चैप्टर में पढ़ा था ये चीज़ कि जो हेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं एयर को ट्रैप करते हैं और इंसुलेशन का, का काम करते हैं येस फाइबर टू फैब्रिक वाले चैप्टर में हमने देखा कि था कि शीप के जो हेयर्स होते हैं वो कैसे उनको वार्म रखते हैं ठीक है तो सेम हैपन्स विद देयर फर ओके पोलर बेयर के जो फर्स होते हैं दे ऑल्सो कीप देम वार्म बाई ट्रैपिंग एयर ओके देन दे हैव अ थिक लेयर ऑफ फैट कॉल्ड ब्लबर अंडर द स्किन उनकी स्किन के नीचे एक थिक लेयर होती है फैट की ठीक है जिसे हम क्या बोलते हैं ब्लबर एंड ये जो थिक लेयर होती है ये क्या करती है इनकी बॉडी को गर्म रखने में हेल्प करती है इन एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट दिस फैट लेयर ऑल्सो प्रोवाइड्स न्यूट्रीशन वन फूड बिकम्स केयर्स क्या होता है जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है वहाँ पे ठीक है तो वहाँ पे फूड की जब कमी हो जाती है जब पोलर बेयर जो है वो शिकार पे नहीं जाता है तो ये जो फैट की जो लेयर होती है इसी से उसको क्या मिलती है एनर्जी मिलती है क्योंकि हमें पता है आपने सुना होगा पोलर बेयर जो होते हैं वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं छः महीने के लिए हाइबरनेट करते हैं मतलब वो बिल्कुल अंडरग्राउंड हो जाते हैं और वो आ, उस समय कोई हंटिंग नहीं करते और जो उनकी फैट की जो लेयर रहती है उसी को वो यूज़ करते हैं टू एक्सट्रैक्ट एनर्जी टू ऑप्टेन एनर्जी ओके सो दिस फैट लेयर ऑल्सो प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन व्हेन फूड बिकम्स केयर्स इन सीवियर कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस ओके देन वट्स द नेक्स्ट दे हैव वाइट फर वाइट कलर्ड फर होता है जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इसके जो फर होते हैं वो कौन से कलर के होते हैं वाइट कलर के और जो स्नो जो होता है वो भी कौन से कलर का होता है वाइट कलर का होता है हमको पता है ठीक है तो क्या होता है इससे दे आर नॉट ईजिली विजिबल इन द स्नोई वाइट बैकग्राउंड इसकी वजह से ही वो स्नोई वाइट बैकग्राउंड की वजह से क्योंकि उनकी बॉडी का कलर भी वाइट हो गया और जो बैकग्राउंड है वो भी वाइट हो गया तो वो ईजिली क्या होते हैं विजिबल नहीं होते हैं तो इससे जो उनके प्रीडेटर्स हैं ठीक है जो उन्हें मार के खाते हैं ठीक है या जो उनकी हंटिंग करते हैं उनसे ये बचे रहते हैं ठीक है एंड इट ऑल्सो हेल्प देम इन कैचिंग प्रे और शिकार करने में भी हेल्प करते हैं ठीक है खुद शिकार होने से भी आ, से भी बचाते हैं और शिकार करने के लिए भी हेल्प करते हैं ठीक है देन दे हैव स्ट्रांग सेंस ऑफ स्मेल यस उनका जो सेंस ऑफ स्मेल होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इसीलिए वो ईजीली अपने प्रे को मतलब अपने शिकार को ईजीली वो लोकेट कर सकते हैं कि वो कहाँ पर है सूंघ सकते हैं और उनको कैच कर सकते हैं ठीक है देन दे हैव शॉर्ट ईयर्स एंड टेल ठीक है उनके जो ईयर्स होते हैं वो काफ़ी शॉर्ट होते हैं और टेल भी जिससे क्या होता है दिस प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ बॉडी हीट थ्रू दीज पार्ट्स उनके बॉडी से हीट क्या होती है इसकी वजह से कम निकलती क्यों क्योंकि जितने ज़्यादा सरफेस एरिया रहेगा बॉडी का ठीक है उतनी ही ज़्यादा क्या होगी हीट बाहर निकलेगी तो इसके वजह से इनके जो ईयर्स होते हैं वो शॉर्ट होते हैं और टेल भी शॉर्ट होती है जिससे क्या हेल्प मिलती है इनको बॉडी का सरफेस एरिया कम हो जाता है और इनकी बॉडी से हीट बाहर नहीं निकलती जिससे कि ये वार्म रहते हैं ठीक है देन दे हैव लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लॉज क्लॉज पता है आपको क्या होते हैं इसके जो पैर के जो नाखून पंजे जो होते हैं ठीक है पंजों में जो नाखून होते हैं उसको हम बोलते हैं क्लॉज ठीक है तो इनके जो क्लॉज होते हैं वो कैसे होते हैं लंबे होते हैं कर्व्ड होते हैं ठीक है एंड शार्प होते हैं जिससे उनको आइस पे चलने में हेल्प मिलती है ठीक है देन दे ऑल्सो हैव वाइड एंड लार्ज पॉ और उनका जो पैर जो होते हैं ठीक है उनकी जो फ़ीट पॉ किसको बोलते हैं हम फीट को उनके जो फीट होते हैं वो काफ़ी वाइड होते हैं बहुत ही चौड़े होते हैं और बड़े बड़े होते हैं जिससे ये भी उनको क्या करता है हेल्प करता है ठीक है टू वॉक ऑन द आइस देन फिजिकल एक्टिविटीज ऑन वार्म डेज मेक द पोलर बियर फील हॉट ठीक है फिजिकल एक्ट, जब जब दिन गर्म होते हैं वहाँ पे ठीक है तो जो फिजिकल एक्टिविटीज की वजह से पोलर बेयर जब हॉट हो जाते हैं जब उनको गर्मी लगती है सो दे कूल देम बाय बाई स्विमिंग इन द आई सी सी येस दे आर एक्चुअली वेरी गुड स्विमर्स जो पोलर बियर्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे स्विमर्स होते हैं ठीक है तो वो क्या करते हैं आई सी आई सी सी मतलब जो आइस कोल्ड वाटर वाला जो सी है जो समुन्दर है उसमें वो तैरते हैं ठीक है दे मूव स्लोली टू अवॉयड गेटिंग ओवर हीटेड ठीक है देन दे आर एक्सिलेंट स्विमर्स एज आई टोल्ड यू एंड वाइल्ड स्विमिंग अंडर वाटर दे क्लोज देअर नोस्ट्रल्स एंड कैन रिमेन अंडर वाटर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन स्विमिंग करते समय वो अपने नॉस्ट्रिल्स को नॉस्ट्रिल्स मतलब जो नोज के जो होल्स होते हैं उनको वो बंद कर सकते हैं ठीक है दे कैन क्लोज देम एंड इसी की वजह से वो पानी के अंदर बहुत ही लंबे समय तक भी रह सकते हैं ठीक है और वहाँ से अपना शिकार भी कर लेते हैं वो मछलियाँ पकड़ते हैं ठीक है सो दीज आर सम ऑफ द एडेप्टेशंस ऑफ पोलर बेयर विच हेल्प्स देम सर्वाइव इन द एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट ऑफ पोलर रीजन ओके नाउ लेट्स मूव ऑन एंड सी एडेप्टंस इन पेंग्विनस यस पेंगुइन्स बहुत ही क्यूट से बर्ड्स होते हैं है ना ये बहुत ही प्यारे लगते हैं हमने बहुत सारी मूवीज भी देखी एनिमेटेड मूवीज भी देखी हैं इसके ऊपर है ना सो पेंगुइन्स आर फ्लाइटलेस बर्ड्स आपको पता होगा पेंगुइन्स जो होती हैं वो फ्लाइटलेस बर्ड्स होती हैं मतलब वो उड़ नहीं सकती ठीक है ये बर्ड्स हैं बट दे कांट फ्लाई एंड दे लिव इन एंटार्कटिक रीजन पोलर बियर कहाँ रह रहे थे आर्कटिक नॉर्थ पोल एंड पेंगुइन्स जो होते हैं वो कहाँ रहते हैं साउथ पोल पे रहते हैं जिनको जिसको हम क्या बोलते हैं एंटार्क्टिक रीजन ठीक है एंड पेंगुइन्स डू नॉट हैव प्रीडेटर्स इन द रिमोट आईसी रीजन्स वेयर दे लिव जहाँ वो रहते हैं पेंगुइन्स जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे उनके कोई प्रीडेटर्स नहीं है ठीक है क्योंकि वो इतना ज़्यादा ठंडा है कि वहाँ पे और कोई प्रीडेटर जो है रहने लायक उसको वो टेम्परेचर है ही नहीं ठीक है सो दे ईट फिश एंड दे आर वेरी गुड स्विमर्स ठीक है सो एज़ टू लुक फॉर देयर फूड दे डू नॉट नीड टू फ्लाई टू लुक फॉर देयर फूड दे हैव लॉस देयर एबिलिटी टू फ्लाई क्यों नहीं उठ सकते वो एक्चुअली क्योंकि एक तो वो जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर कोई प्रिडेटर्स नहीं है उनका शिकार करने के लिए ठीक है एंड वो क्या करते हैं फ़िश खाती है ठीक है पेंग्वेंस फिश खाते हैं और वो बहुत अच्छे स्विमर्स होते हैं उनकी जो बॉडी होती है दैट इज स्ट्रीम लाइंड स्ट्रीम लाइंड बॉडी होती है जिसकी वजह से वो ईजीली पानी में तैर सकते हैं ठीक है थीके? तो इसकी वजह से क्या हुआ है वो उड़ने की जो उनकी एबिलिटी है वो चली गई है ऐसा बोल सकते हैं क्या होता है जब हम बॉडी के किसी पार्ट को यूज़ नहीं करते हैं ठीक है तो धीरे धीरे उसका जो यूज़ है वो खत्म हो जाता है हम भूल जाते हैं उसको यूज़ करना ठीक है सो सेम हैपन विथ पेनग्विनस क्योंकि उनको स्विमिंग कर करके ही इजीली फिश uh, मिल जाती है ठीक है उनको अपना खाना मिल जाता है सो so, उनको नीड ही नहीं होती कि वो उड़ें ठीक है उनको नीड फील नहीं होती कि दे शुड फ्लाई एंड सर्च देयर फूड सो दे हैव लॉस्ट देयर एबिलिटी टू फ्लाई उनकी जो उड़ने की शक्ति है वो जा चुकी है क्योंकि उन्होंने अपने पंख कभी यूज़ ही नहीं किए क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं पड़ी ठीक है सो दिस इज़ ऑल्सो लॉ ऑफ नेचर ठीक है जिस चीज़ को आप यूज़ नहीं करेंगे वो चीज़ क्या होगी यूजलेस uh, हो जाएगी इसलिए हम बोलते हैं अपना ब्रेन यूज़ करो मम्मी पापा बोलते हैं ना ब्रेन यूज करो ना जंग लग जाएगा उसमें ठीक है चलो सो लेट अस सी सम अडेप्टशन ऑफ पेंग्विन ओके सो फर्स्ट एज आई टोल्ड यू दे हैव स्ट्रीमलाइंड बॉडीज़ ठीक है विच हेल्प्स देम इन स्विमिंग थ्रू वाटर ओके then uh, as you all know as you can see here they uh, are white in color with black colored feathers on their back white color ke hote hain aur unke jo feathers hote hain unke back pe piche ki taraf wo black color ka hota hai theek hai so the white color merges well with the white surrounding of ice and snow white color जो है जैसे polar bear में था ice or snow के साथ वो perfectly क्या होता है merge हो jata hai उनके background के साथ and the black colored feathers on the penguins back absorb heat from the sun और ये जो ब्लैक कलर के फेदर्स होते हैं एज वी नो दैट ब्लैक कलर्स आर वेरी गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ हीट जो काले रंग जो होता है वो सन की हीट को बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब करता है सोखता है ठीक है तो ये जो ब्लैक फेदर्स होते हैं ये क्या करते हैं उनके लिए आ, क्या हेल्प करते हैं सन की हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और उनको गर्म रखते हैं ठीक है देन दे ऑल्सो हैव थिक स्किन एंड अ लेयर ऑफ फैट कॉल्ड ब्लबर जैसे पोलर बेयर के बॉडी में था सेम इनकी बॉडी में भी थिक लेयर होता है फैट का बिलो देअर स्किन दैट कीप्स देम वार्म इन एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट जो उनको गर्म रखते हैं ठीक है एंड दे हैव शॉर्ट स्टिफ फ्लिपर्स दैट हेल्प देम स्विम थ्रू वाटर रादर देन विंग्स इनके क्या होते हैं जो फ्लिपर्स uh, uh, होते हैं शॉर्ट फ्लिपर्स होते हैं जैसे पंख बोल सकते हैं आप ठीक है जो उन्हें स्विम करने में हेल्प करते हैं ठीक है जैसे विंग्स जो होते हैं काफ़ी मतलब ऐसे फैल जाते हैं बड़े होते हैं, वैसे नहीं होते हैं, इनके फ्लिपर्स होते हैं ठीक है देन दे पैडल लाइक दे हैव पेडल लाइक फीट टू हेल्प देम स्विम थ्रू द वॉटर उनके जो पैर होते हैं वो कैसे होते हैं पेडल जैसे होते हैं ठीक है अगर आपने देखा होगा तो उनके पैर पेडल जैसे होते हैं जो उनको स्विमिंग करने में हेल्प करते हैं ठीक है देन दे हडल टुगेदर इन ग्रुप्स आपने कभी भी अगर पेनग्विंस की डॉक्यूमेंट्री देखी होगी डिस्कवरी वगैरह पर देखा होगा उनके प्रोग्राम्स तो आपने देखा होगा कि ये हमेशा ग्रुप में होते हैं और ग्रुप में ही चलते हैं दे हडल टुगेदर इन ग्रुप ठीक है हमेशा वो ग्रुप में घूमते हैं जिससे क्या होता है इट कीप्स दैम वाम ठीक है यहां दिख रहा है आपको कैसे ये ग्रुप में चल रहे हैं ठीक है सो ईच ग्रुप में कंप्राइज सेवरल थाउजेंड था और एक एक ग्रुप में बहुत सारे पेनग्विन्स मतलब थाउजेंड पेनग्विंस तक हो सकते हैं ठीक है एंड एज आई टोल्ड यू दे आर एक्सलेंट स्विमर्स दे हैव स्ट्रीम लाइन बॉडीज फ्लिपर लाइक विंग्स एंड वेब्ड फीट ठीक है उनकी फीट कैसी होती है वेब्ड होती है जो मैं अभी आपको बता रही थी पेडल लाइक फीट दैट मीन्स वेब्ड फीट वेब्ड जैसे फ्रॉक के जो फीट होते हैं ठीक है थीके? वो क्या होते हैं वेब्ड होते हैं ठीक है थीके? वेब जैसा बना होता है उनके उनके टोज के बीच में ठीक है सो so, पेंगुइन्स के भी जो पैर होते हैं बिल्कुल वैसे ही होते हैं जो उनको हेल्प करते हैं स्विम करने में ओके सो दीज वर द एडेप्टंस ऑफ पेंगुइन्स सो नाउ यू नो दैट पोलर बेयर्स लिव इन लिव एट नॉर्थ पोल एंड पेंगुइन्स लिव एट साउथ पोल ओके एंड दे बोथ शेयर सम सिमिलर एडेप्टशंस ओके लाइक थिक लेयर ऑफ फैट देन कलर ऑफ देअर बॉडी ठीक है एंड देन दे बोथ आर वेरी गुड स्विमर्स ओके सो दे कैन फाइंड देयर फूड इन वाटर नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज माइग्रेशन यस माइग्रेशन माइग्रेशन का लिटरल मीनिंग होता है एक जगह से दूसरे जगह जाना ठीक so, uh, है माइग्रेट करना सो वॉट हैपन्स बर्ड्स जो बर्ड्स होती हैं दे माइग्रेट टू वार्मर रीजन्स वेन विंटर सेट्स इन कुछ बर्ड्स uh, uh, ऐसी होती हैं जब बहुत uh, ज़्यादा ठंड जिस क्लाइमेट में वो रह रही हैं अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है तो दे माइग्रेट वो उस जगह से गर्म जगहों की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं ठीक है और जब ठंड वहाँ पे ख़त्म हो जाती है जहाँ वो रहते थे ऑलरेडी जहाँ पे जहाँ से वो माइग्रेट कर चुके हैं जब वहाँ पर ठंड खत्म हो जाती है तो वो अपनी जगह वापस आ जाते हैं उस जगह पर ठीक है तो इसे हम बोलते हैं माइग्रेशन ठीक है दिस इज़ कॉल्ड माइग्रेशन सो सम मैमल्स एंड फिशज एंड इंसेक्ट्स ऑल्सो माइग्रेट सीजनली ठीक है कुछ मैमल्स uh, जो एनिमल्स होते हैं ठीक है फिशेस और इंसेक्ट्स भी हैं कुछ ऐसे जो माइग्रेट करते हैं सीजनली माइग्रेट करते हैं एक्चुअली माइग्रेशन कब करते हैं जब कोई भी एनिमल माइग्रेट तब करता है जब उसके लिए जहाँ वो रह रहा है जो उसका हैबिटेट है ठीक है जहाँ वो रहता है अगर वहाँ पर कंडीशंस अगेंस्ट हो जाती हैं अनफेवरेबल हो जाती है उसके रहने लायक नहीं होती हैं तो वो उस जगह से माइग्रेट करके दूसरी जगह चला जाता है और जैसे ही वहाँ पे कंडीशंस वापस फेवरेबल हो जाती है उस जगह पे जहाँ पे वो रहते थे तो फिर वो वापस आ जाते हैं ठीक है सो दिस इज़ अ वेरी बेसिक फिनोमिना टू सर्वाइव सर्वाइव करने के लिए ये जो एनिमल्स होते हैं ये माइग्रेट करते हैं ठीक है सो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन माइग्रेटरी बर्ड एक बहुत ही कॉमन माइग्रेटरी बर्ड है दैट कम्स टू इंडिया एवरी ईयर जो हर साल इंडिया आती है ठीक है फॉर फ्यू मंथ्स कुछ महीनों के लिए दैट इज़ साइबेरियन क्रेन आपने इनका नाम सुना होगा साइबेरियन क्रेन क्रेन ठीक है सो साइबेरियन क्रेन कहाँ रहती हैं साइबेरिया इसीलिए इनको साइबेरियन क्रेन नाम दिया गया ठीक है तो साइबेरिया जो है वो बहुत ही ठंडा प्लेस है इट इट इज़ अ वेरी कोल्ड प्लेस ठीक है तो जब वहाँ पर विंटर स्टार्ट हो जाता है तो इट गेट्स एक्सट्रीमली कोल्ड और उस टाइम पे दीज साइबेरियन क्रेन फ्लाई थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स ठीक है हजारों किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके दे कम टू वार्मर प्लेसेज इन इंडिया सच एज़ भरतपुर इन राजस्थान सुल्तानपुर इन हरियाणा एंड सम अदर पार्ट ऑफ इंडिया ठीक है भरतपुर राजस्थान में बहुत ही कॉमन है ये बहुत ही इजिली दिख जाते हैं हमको ठीक है एंड दे स्टे एट द वार्मर प्लेसेज इन इंडिया फॉर अ फ्यू मंथस कुछ महीनों तक ये रहते हैं एंड दे फ्लाई बैक टू साइबेरिया जैसे मैंने बताया आपको जब वहाँ पे कंडीशन ठीक हो जाती है तो दे फ्लाई बैक ठीक है जब वहाँ पे विंटर खत्म हो जाता है तो विंटर खत्म होने से क्या होता है वहाँ पर जो क्लाइमेट है वो उनके लिए फेवरेबल हो जाता है वो वहाँ पे इजिली फिर सर्वाइव कर सकते हैं इसलिए वो वापस चले जाते हैं ठीक है

ओके okay. सो so, ये जो बर्ड्स हैं ये इतना आ, कैसे ट्रैवल कर लेते हैं हर साल एक ही प्लेस पे इट इज़ अ मिस्ट्री ठीक है हाउ दिस बर्ड्स ट्रैवल टू द सेम प्लेस एवरी ईयर इट इज़ अ मिस्ट्री और ऐसा माना जाता है दैट इट सीम्स सम बर्ड्स हैव अ सेंस ऑफ डायरेक्शन इनमें कुछ सेंस ऑफ डायरेक्शन होता है बर्ड्स में ठीक है या फिर ये कुछ लैंड मार्क्स जो हैं उसको यूज़ करते हैं जैसे जो पीजेंस होते हैं वो लैंड मार्क्स याद करके रखते हैं ना जो ऐसा माना जाता है जो पीजन्स होते हैं वो कभी भी अपना घर नहीं भूलते हैं कभी भी रास्ता नहीं भूलते वो क्यों, क्यों? क्योंकि वो लैंड याद कर लेते तो ऐसा माना जाता है कि हो सकता है ये जो बर्ड्स हैं ये लैंड uh, uh, को यूज़ करते होंगे टू गाइड दैम ठीक है एंड मैनी टेक गाइडेंस बाई द डायरेक्शन ऑफ द सन एंड द स्टार्स सन और स्टार्स की पोजिशन से उनके डायरेक्शन से भी दे टेक गाइडेंस ठीक है सो देर इज़ सम एविडेंस दैट बर्ड्स यूज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ टू फाइंड द डायरेक्शन ठीक है साइंटिफिक स्टडी में ऐसा पाया गया है कि ये जो बर्ड्स होती है ये हमारे अर्थ में जो एक मैग्नेटिक फील्ड है उसके हेल्प से ही दे कैन फाइंड द डायरेक्शंस ठीक है तभी वो इतने लंबे लंबे डिस्टेंसेस ट्रैवल करके जाते हैं और फिर वो वापस भी आ जाते हैं अपनी जगह पे ठीक है ओके सो दिस वाज ऑल अबाउट माइग्रेशन नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट नेक्स्ट वी विल सी द ट्रॉपिकल रीजन्स यस पोलर रीजन हमने देख लिया जो कि कैसा था एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट था जहाँ पर ठीक है नाउ ट्रॉपिकल रीजन ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है द एरियाज दैट लाई क्लोज टू द इक्वेटर इक्वेटर क्या है आप सबने पढ़ा है ज्योग्राफी में इक्वेटर इज द लाइन इमेजनरी लाइन इमेजनरी लाइन विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ है ना तो उसको हम क्या बोलते हैं इक्वेटर ओके सो इस इक्वेटर के आसपास के जो एरियाज हैं उनको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन एंड दीज एरियाज एक्सटेंड बिटवीन टेन डिग्री नॉर्थ एंड टेन डिग्री साउथ ओके नाउ द ट्रॉपिकल रीजन हैव हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट यहाँ पे क्लाइमेट कैसा होता है हॉट होता है और ह्यूमिड होता है ह्यूमिड मैंने बताया था चिपचिपा मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर वेपर होता है ठीक है उसे हम बोलते हैं ह्यूमिड ठीक है तो ये जितने भी ट्रॉपिकल रीजनस हैं दे हैव हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विथ एबंडेंट रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर साल भर यहाँ पे बहुत अच्छी बारिश होती है ठीक है एंड दे हैव सन लाइट फॉर एटलीस्ट ट्वेल्व आवर्स एक दिन में करीब बारह घंटे तक सनलाइट वहाँ पे पड़ती है ठीक है दैट मीन्स डेज एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ पूरे साल भर वहाँ पर जो डेज एंड नाइट्स होती हैं वो सेम लेंथ की होती है ठीक है सो ये जो ट्रॉपिकल रीजन्ते हैं यहाँ पर बहुत ही डेंस रेन फॉरेस्ट होते हैं बहुत ही घने जंगल होते हैं ठीक है एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स इन इंडिया यहाँ पर दिख रहा होगा आपको ठीक है uh, सामने जो मैप है इसमें हमारे uh, इंडिया में कहाँ है ये वेस्टर्न घाट एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स इन इंडिया ठीक है एंड साउथ ईस्ट एशिया दिख रहा है आपको यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया ठीक है दिस इज साउथ ईस्ट एशिया देन सेंट्रल अमेरिका साउथ अमेरिका सेंट्रल अफ्रीका एंड मेनी आइलैंड ऑफ पेसिफ़िक ओशन ठीक है ये जो एरियाज़ है ये कहाँ आते हैं हमारे uh, यहाँ पर क्या है हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ठीक है so, सो uh, ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं दे आर होम टू अ वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स वहाँ पे बहुत ही वाइड वैरायटी के प्लांट्स एंड एनिमल्स मिलते हैं क्यों मिलते हैं ड्यू टू कंटिन्यूस वाराम्थ एंड रेन क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेटिक uh, कंडीशन है वो बहुत ही सूटेबल होता है ग्रोथ के लिए ठीक है और सर्वाइवल के लिए क्योंकि वहाँ पे वाम्थ भी है वहाँ पे रेन भी है ठीक है गर्मााहट भी है और रेन भी है ठीक है तो इसकी वजह से वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वैरायटी के ऑर्गेनिजम जो होते हैं वहाँ पे ड्वेल करते हैं ओके द मेजर टाइप्स ऑफ एनिमल्स लिविंग इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर मंकीज एप्स गोरिल्लाज लॉयस टाइगर्स एलिफेंट्स लेपर्ड्स लिजर्ड्स स्नेक्स बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स ठीक है तो बहुत सारी वैरायटी मिलती है इन सब की एंड सिंस अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स लिव इन दीज फॉरेस्ट देयरफॉर देयर इज एन इंटेंस कंपटीशन फॉर फूड एंड शेल्टर क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं एनिमल्स है, है ना बहुत वैरायटी के एनिमल्स हैं तो इनके बीच में बहुत ही इंटेंस कंपटीशन होता है फूड और शेल्टर के लिए ठीक है सो नाउ वी विल सी व्हाट आर द एडेप्ट ऑफ सम ऑफ द एनिमल्स दैट लिव हेयर ओके और कुछ एनिमल्स में हम किस किसका देखेंगे एलिफेंट्स देखेंगे हम एलिफेंट्स के क्या एडेप्टशन होते हैं ठीक है बिकॉज दे आर द लार्जेस्ट मैमल्स ऑन अर्थ ओके सो एनिमल सॉरी एलिफेंट्स देन बिग कैट्स रेड आइड फ्रॉग टोकन देन लॉय टेल मकाक एंड मंकीस ठीक है ये कुछ एनिमल्स है जिनके हम अडेप्टन देखेंगे दे लिव इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट सो फर्स्ट वी विल सीप्टिफेंट तो आपको पता है एन एलिफेंट इज अ वेरी लार्ज एनिमल ऑफ इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इट कैन लिव एंड सर्वाइव इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ड्यू टू द फॉलोइंग एडेप सो द ट्रंक ट्रंक मतलब उसकी जो सूड है है ना दिख रही है आपको यहाँ पे दिस इज द ट्रंक सो ट्रंक ऑफ एन एलिफेंट इज बेसिकली एन इलागेटेड नोज ट्रंक एक्चुअली होती क्या है एलिफेंट की लंबी सी नाक होती है नाक जो है वो लंबी हो गई होती है उसकी ठीक है एंड द ट्रंक हेल्प्स द एलिफेंट इन मेनी वेज ये जो ट्रंक है इससे बहुत सारे ये काम लेता है ठीक है बहुत हेल्प करते हैं इसको कैसे द एलिफेंट हैज़ अ स्ट्रांग सेंस ऑफ स्मेल ठीक है क्योंकि इसकी नाक इतनी ज़्यादा लंबी है ठीक है तो इसका जो सेंस ऑफ स्मेल है वो भी उतना ही स्ट्रांग होता है ठीक है देन द एलिफेंट यूजेस इट्स लॉन्ग ट्रंक टू पिक अप फूड आपने देखा होगा हमारे भी आसपास जब भी एलिफेंट आता है हम जब उसको खाना देते हैं तो हमेशा अपनी सूढ़ की हेल्प से ही उसको पकड़ते हैं देन अपने मुंह में डालता है देखा है आपने केला देते हैं हम जो भी देते हैं उसको तो ठीक है सो so, वो अपने ट्रंक को क्यों यूज़ करता है चीज़ों को पिक करने के लिए यूज़ करता है और पिक करके अपने माउथ में उसी की हेल्प से डालता है ठीक है देन थर्ड इज द एलिफेंट यूजेज इट्स ट्रंक फॉर ड्रिंकिंग वाटर ऑल्सो दैट मीन्स जो उसका ट्रंक है इट एक्ट्स लाइक अ सकिंग पाइप ठीक है उससे वो पानी क्या करता है सक करता है एंड देन अपने मुंह में डालता है ठीक है और अपने आप को ठंडा करने के लिए नहाने के लिए भी वो वैसे यूज करता है ठंडा करने के लिए बोलना चाहिए जब बहुत गर्मी लगती तो वो क्या करता है सो so, ये जो ट्रंक है मल्टीपर्पज है, है, है ना? उसका ट्रंक बहुत सारे यूजर्स यूज लेता है एलिफेंट हैज बिग एंड लॉन्ग पॉइंटेड टीथ ये आपको दिख रहे होंगे है ना ये लंबे लंबे जो दो दांत हैं इसको हम क्या बोलते हैं टस्क ठीक है सो दीज टस्क आर मॉडिफाइड टीथ ऑफ द एलिफेंट ठीक है ये मॉडिफाइड टीथ है एलिफेंट के और इनको ये क्यों यूज करता है इट यूजेज टीयर ऑफ द बार्क ऑफ द ट्रीज दैट इट ईट्स एज फूड जब वो uh, खाता है ठीक है uh, जब अपना फूड लेता है वो प्लांट से तो वो क्या करता है इसी टस्क के हेल्प से जो बार्क है ट्री का उसको टीयर करता है फाड़ता है उसको ठीक है जैसे आपने देखा होगा बैम्बू शूट्स काफ़ी खाते हैं ये एनिम जो एलिफेंट्स होते हैं ठीक है तो बैम्बू शूट का जो आउटर जो कवरिंग रहता है उसको टीयर करने के लिए इट यूजेस इट्स टस्क ओके एंड इट ऑल्सो यूजेस इट टस्क फॉर फाइटिंग विद एनिमीज़ एंड प्रोटेक्टिंग इट्सल्फ ठीक है अपने एनिमीज से लड़ने के लिए भी और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ये टस्क यूज़ करता है ठीक है इसी से उठा के फेंकता है आपने देखा होगा कभी डिस्कवरी में अगर आपने देखा होगा जो बिग कैट्स और एलिफेंट्स के बिग कैट्स मतलब लॉयन टाइगर लेपर्ड्स अगर इनके बीच में कभी आ, फाइट हो जाती है तो ये टस्क यूज़ करते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ठीक है देन थर्ड वी हैव द एलीफेंट हैज़ लार्ज ईयर्स कान बहुत ही बड़े बड़े होते हैं है ना सो द एलिफेंट कैन हीयर इवन द लोवेस्ट साउंड मेड बाई इट्स प्रीडेटर कान नाक बहुत लंबी थी बड़ी थी तो क्या था स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल था अब कान बहुत बड़े हैं तो मतलब ये सुनने की जो इसकी शक्ति है सुनने की जो क्षमता है वो भी बहुत ज़्यादा है ठीक है तो ये बहुत ही एकदम लोवेस्ट सा भी साउंड जो होता है बिल्कुल सरसराहट पत्तों पे थोड़ी सी सरसराहट भी होती होगी ना तो वो बिल्कुल आम, क्या करता है सुन लेता है वो ठीक है सो इट कैन सेंस द डेंजर एंड रन अवे फॉर सेफ्टी ठीक है एंड वेन द टेम्परेचर राइजेस द एलिफेंट्स फ्लैप देयर लार्ज ईयर्स आपने देखा होगा कि जब ये एलिफेंट्स को कान हिलाते हुए देखा होगा ये जो इयर से फ्लैप करते, करते हैं आगे पीछे ठीक है तो वो कब करते हैं वो जब उनको गर्मी लगती है ठीक है जब टेम्परेचर बढ़ जाता है उनको गर्मी लगती है तो उसको एज अल्वेलिफेंट ओके नाउल इन बिग कैट्स बिग कैट्स में बिग कैट्स वाइल्ड एनिमल्स लॉय टाइगर्स एंड लेपर्ड्स ठीक है लॉय टाइगर्स एंड लेपर्स इन सबको हम बिग कैट्स बोलते हैं क्यों क्योंकि ये पूरी कैट फैमिली है बिल्ली होती है ना बिल्ली ये पूरी कैट फैमिली में आते हैं बिल्ली भी इन्हीं के टाइगर की फैमिली में ही आती है ठीक है बट वो क्या है छोटी है साइज में और ये बड़े हैं ठीक है इसलिए हम इनको बिग कैट्स बोलते हैं सो द वेरियस अडेप्टेशन इन बिग कैट्स दैट इन लिव एंड सर्वाइव इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर एस फॉलोज क्या क्या अडेप्टशन है देखते है is, cats, हैं इनके फर्स्ट वन इज द बिग कैट्स लॉयंस एंड टाइगर्स ईट ओनली द मीट ऑफ अदर एनिमल्स दूसरे एनिमल्स का ये मीट खाते हैं हमको पता है ये कार्निवोर्स हैं ठीक है तो दे ईट अदर एनिमल्स एंड दे हैव हाईली डेवलप्ड सेंस ऑफ स्मेल इसके लिए इनके पास हाईली डेवलप्ड सेंस ऑफ स्मेल होता है ठीक है जिसकी वजह से वो ईजिली अपने प्रे को क्या करते हैं लोकेट कर सकते हैं पता लगा सकते हैं कि उनका प्रे कहाँ है कितने दूर पर है उनसे ठीक है देन एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन द येलो ब्राउन कलर विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑफ टाइगर ये दिख रहा है आपको येलो ब्राउन कलर एंड ब्लैक स्ट्राइप्स ये और लॉयन में क्या होता है येलो ब्राउन कलर होता है उसकी बॉडी का ठीक है तो दीज कलर्स हेल्प देम कैमोफ्लेज ये क्लास सिक्स में भी पढ़ा था हमने कैमोफ्लेजिंग ठीक है कैमोफ्लेजिंग मतलब ब्लेंडिंग विद द देयर सराउंडिंग्स उनके सराउंडिंग्स के साथ उनका जो बॉडी है वो क्या होता है मर्ज हो जाता है ब्लेंड हो जाता है जिससे वो ईजिली विजिबल नहीं होते हैं ठीक है थीके? तो ये जो इनकी बॉडी पे ये जो स्ट्राइप्स होते हैं और ये जो कलर होता है इनकी बॉडी का ये इनको ईजिली छुपने में हेल्प करता है ठीक है दैट मीन्स केमोफिलेज करने में हेल्प करता है जिससे वो ईजिली अपने आ, जो उनका प्रे है जिसका वो शिकार करने जा रहे हैं उनको वो नज़र नहीं आते हैं ठीक है सो इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम देयर प्रीडेटर्स ठीक है इनके प्रीडिएटर्स से भी इनको बचाता है जो इनका शिकार करते हैं ठीक है जिसमें हम ह्यूमन बींग्स भी हो सकते हैं ठीक है एंड इट ऑल्सो हेल्प देम इन कैचिंग देयर प्रे और शिकार करने में भी हेल्प करता है ठीक है देन दे हैव वेरी शार्प आई साइट येस इनकी जो आई साइट होती है वो बहुत ही शार्प होती है ठीक है जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस से भी अपने प्रे को लोकेट कर सकते हैं ओके देन नेक्स्ट दे कैन रन वेरी फास्ट बहुत तेज़ दौड़ सकते हैं आपने देखा होगा ठीक है बहुत तेज़ दौड़ते हैं ये जिससे ये अपने प्रे uh, को इजीली कैच कर सकते हैं ठीक है एंड दे हैव लॉन्ग स्ट्रॉन्ग एंड शार्प क्लॉज इनके जो नाखून होते हैं ठीक है वो बहुत ही क्या होते हैं लॉन्ग होते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड शार्प होते हैं जिससे वो Uh, उनके फ्रंट लेग्स में जो होते हैं क्लॉज ठीक है वो बहुत ही शार्प होते हैं जिससे कि वो इजीली अपने uh, शिकार को क्या कर सकते हैं पकड़ के उनके ऊपर होल्ड पा सकते हैं ठीक है देखें इजीली कैच एंड होल्ड देयर प्रे ठीक है एंड दे कैन टीयर इट ऑफ टीयर करने के लिए भी यूज़ करते हैं वो ठीक है सो दीज वर द एडेप्टशन ऑफ बिग कैट्स एंड वन मोर थिंग दे हैव स्ट्रॉन्ग हाइंड लिम्स इनके जो पीछे के जो पैर होते हैं हाइंड लिम्स मतलब पीछे की तरफ के जो पैर होते हैं ठीक है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रोंग होते हैं ठीक है जो उनको uh, तेज़ दौड़ने के लिए और जंप करने के लिए हेल्प करते हैं ठीक है नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट वी विल सी एडेप्टंस इन रेड आइड फ्रॉग एंड टोकन यस रेड आइड फ्रॉग जो होता है रेड आइड फ्रॉग नाम क्यों है इसका क्योंकि इसकी जो आई होती है वो रेड कलर की होती है और बल्जिंग होती है बाहर निकली हुई रेड कलर की आई होती है ब्राइट रेड आइज ओके इसी से इसका नाम पड़ा है रेड आइड फ्रॉग तो इसके जो पैड्स uh, होते हैं ठीक है इसके जो पैर होते हैं पैर के नीचे जो पैड्स होते हैं ना वो बहुत ही स्टिकी होते हैं ठीक है थीके? चिपचिपे होते हैं सो दैट इट क्लाइम्स ईजिली ऑन द ट्री ट्रंक ऑन विच इट लिव्स ये क्या होता है ट्रीज पे रहता है ये फ्रॉग ठीक है इट इज़ अ ट्री फ्रॉग सो वो ईजिली ट्री पे क्या हो सकता है चढ़ सकता है उस पर रह सकता है ठीक है एंड इसके जो कलर्स होते, होते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं जैसा दिख रहा है आपको ग्रीन कलर का होता है ये तो ये भी ईजिली कैमोफ्लेज कर सकता है, है ना छुप सकता है अपने बैकग्राउंड में ठीक है देन दे आर नॉकटर्नल ठीक है नॉकटर्नल का क्या मतलब होता है ये रात को अपना शिकार करते हैं रात को अपना खाना ढूंढते हैं ठीक है ऐसे एनिमल्स जो रात को निकलते हैं अपना खाना ढूंढने के लिए और दिन में सोते हैं उनको हम क्या बोलते हैं नॉकटर्नल्स ठीक है सो इट अलाउज द रेड आइट फ्रॉक टू स्लीप ड्यूरिंग द डे डिंग प्रीडेटर्स आर हंटिंग ठीक है देन नेक्स्ट वी हैव टोकन टोकन क्या होता है ये दिख रहा होगा ये जो बर्ड है इसको हम बोलते हैं टोकन ठीक है द टोकन हैज अ लॉन्ग कलरफुल बीक बहुत ही uh, लंबी सी कलरफुल बीक होती है इसकी दैट मेजर्स मोर देन हाफ द लेंथ ऑफ इट्स बॉडी इसकी बॉडी की जो लेंथ है उससे मोर देन हाफ होती है ठीक है एंड द लॉन्ग बीक ये जो लंबी सी बीक है इसकी ये कैसे हेल्प करती है इट हेल्प्स इट टू रीच द फ्रूट्स ऑन सच ब्रांचेस दैट आर टू वीक ऐसी ब्रांचेस जिसमें फ्रूट्स लगे हुए हैं वो ब्रांचेस बहुत ही ज़्यादा वीक हैं जिसपे वो खुद नहीं बैठ सकता जाके ठीक है तो ये जो लंबी बीक होती है ये इसको उन फ्रूट्स को पिक करने में हेल्प करती है ठीक है एंड सो इट सर्वाइव्स विद द हेल्प ऑफ इट्स बीक जो बीक होती है काफ़ी मल्टी फंक्शनल होती है इसके लिए ठीक है देन नेक्स्ट वी हैव लॉयन टेल्ड मैकाक एंड मंकीज लॉयन टेल्ड मैकाक ये क्या होता है यस yes, ये आ गया सामने आपको दिख रहा है यहाँ पे सो द लॉयन टेल्ड मैकाक हैज सिल्वर वाइट मेन सिल्वर वाइट मेन ये जो आ, सामने जो है ना इसकी जो दाढ़ी बोल सकते हैं हम जैसे लॉयन में होती है उसका हम क्या बोलते हैं मेन बोलते हैं जो सामने के जो बियर्ड हेयर्स uh, होते हैं ठीक है तो इनका जो मेन uh, होता है दैट इज सिल्वर वाइट इन कलर ठीक है एंड इट द हेड फ्रॉम द चीक्स डाउन टू इट्स चिन जो मैंने बताया आपको दिस गिव्स दिस मंकी इट्स जर्मन नेम बियर्ड ए ठीक है तो ये क्या है मंकी की ही फैमिली है लेकिन दूसरी ब्रीड breed है ब्रीड्स के बारे में पढ़ा था हमने अलग अलग ब्रीड्स होती हैं तो ये दूसरी ब्रीड है लेकिन ये मंकी ही फैमिली में आता है एंड इसका जो uh, नाम मिला हुआ है इसकी वजह से क्या है बेर्ड एप ठीक है द टेल इज़ मीडियम अप्रॉक्स ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर्स तक टेल होती है इसकी साइज़ में एंड इट हैज़ अ ब्लैक टफ्ट एट द एंड सिमिलर टू अ लॉयस टेल ठीक है लॉय के टेल की तरह लास्ट में इसकी जो पूछ होती है ऐसी ही है ठीक है एंड ये जो है ये मेनली फ्रूट्स सीड्स और यंग लीव स्टेम्स फ्लावर्स और बर्ड्स पे ही फीड करता है ठीक है एंड इट ऑल्सो ईट्स इंसेक्ट्स ट्रीज़ uh, के बार्क के अंदर पेड़ की छालों के अंदर जो इंसेक्ट्स होते हैं ये उनके ऊपर भी फीड करता है उनको भी खाता है ठीक है सिंस इट इज़ एबल टू गेट सफिशियंट फूड ऑन द ट्रीज़ क्योंकि इसको पेड़ों पे ही इसका बहुत सारा खाना मिल जाता है क्योंकि मैंने क्या बताया था क्या खाता है ये फ्रूट्स खाता है यंग लीव्स खाता है मतलब जो नई पत्तियाँ होती हैं सॉफ्ट जो पत्तियाँ होती हैं स्टेम खाता है फ्लावर्स खाता है और बार्क में जो ट्री के बार्क के अंदर जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको खाता है तो इसलिए इसको अपना जो फूड है वो ट्रीज से ही मिल जाता है तो ये बहुत ही कम ऐसा होता है कि ये ग्राउंड पे आता है सो इट स्पेंोस्ट ऑफ इट्स लाइफ टाइम ऑन द ट्री मेजर पार्ट ऑफ इट लाइफ टाइम ठीक है इसके लाइफ स्पन का जो अधिकतर जो भागर जो पार्ट है ये पेड़ों पर पे ही गुजारता है ठीक है देन नेक्स्ट वी हैव मंकीज सो मंकीज सबने देखा है जू हम सब गए हैं ठीक है थीके? और इवन हम मंदिर वगैरह भी जाते हैं तो वहाँ पे हमने देखा है कि जो मंकीज बहुत ही बड़े पॉपुलेशन में होते हैं ग्रुप्स में होते हैं ठीक है तो मंकीज़ आर वेल अडेप्टेड टू लिव ऑन द ट्रीज़ इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और ये जो मंकीज़ है ये बहुत ही ज़्यादा नंबर्स में हमको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलते हैं ठीक है सो एज यू मस्ट हैव सीन दे हैव लॉन्ग टेल्स बहुत ही लंबी पूछ होती है इनकी और उस टेल के हेल्प से दे ग्रास्प ब्रांचेस जब वो एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में कूदते हैं एक ट्री से दूसरे ट्री में जब वो जंप करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ दिस टेल दे टेक अ होल्ड ऑफ द ब्रांचेस ठीक है उसके सहारे से वो लटकते हैं एंड देर हैंड्स एंड फीट आर सच देट दे केन ईजिली होल्ड ऑन टू द ब्रांचेज ऑफ द ट्रीज उनके हैंड और फीट भी आपने देखा होगा वो भी क्या होते हैं काफ़ी लंबे लंबे टोज होते हैं उसमें फिंगर्स होते हैं जिसके हेल्प से वो ईजीली क्या कर सकते हैं ब्रांचेस को uh, पकड़ सकते हैं ठीक है एंड दे हैव अपोजिबल थम्स दैट अलाउ देम टू ग्रैस स्मॉल थिंग्स ठीक है उनके जो थम्स होते हैं वो ऑपोजिबल uh, थम्स होते हैं जिससे वो छोटी 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 चीज़ें भी बहुत ही ईजीली पकड़ सकते हैं ठीक है सो दिज वर समेप्टेशन ऑफ द एनिमल्स दैट लिव इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ओके सो दिस वॉज ऑल एंड आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द टॉपिक्स रियली वेल एंड यू कैन गो थ्रू दिस वीडियो अगेन इफ यू हैड एनी डाउट इफ यू मिस समथिंग ओके सो दिस वॉज अवर टूडेज क्लास एंड आई होप टू सी यून आर नेक्स्ट क्लास ओके Till then, take care, goodbye.